क्या चाल आ चुके एक बहुत ही प्यारे डुओ कॉन्करर लॉबी वाले गेम प्ले के साथ। बहुत ही प्यारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक का सबसे बेस्ट गेम प्ले डुओ लॉबी का यही होने वाला है हम लोग का। मतलब इतने ज्यादा किल्स की तुम्हें मजा ही आ जाएगा, बोर बिल्कुल भी नहीं होगी, उसके साथ साथ काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। हम दोनों की जो सिनर्जी है वो देखना यार तुम लोग, मतलब क्या ही एक दूसरे को कवर दे के खेलते हैं और एकदम प्रॉपर कॉल्स हर एक चीज, मजा बढ़ाने वाला। और यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देना, अपन 700 लाइक्स का एम रखते हैं इस वीडियो पे। पहली बार इतने ज्यादा लाइक्स की उम्मीद रख रहा हूँ तो यार करवा जरूर देना। अभी फिलहाल के लिए देखो जॉर्ज उतर रहा है और मेरे साथ दो बंदे उतर रहे हैं जिनकी लैंडिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये बेचारे कंफ्यूज हो गए, एक तो ऊपर ही टकरा गया जिसको मेरे टीममेट ने ले लिया और दूसरे को मैंने मार दिया। अभी यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत लूट करता हूँ और सामने की तरफ देखो, इस बंदे को ऑलमोस्ट मैंने मार दिया था लेकिन मेरी गन रिलोड पे आ गई तो ये बंदा तो बच गया। यहाँ पे थोड़ी बहुत और लूट करता हूँ, एक और यहाँ पे गन मिल जाती है और मुझे एक स्कोप मिल जाता है। और अभी देखना सामने एक और बंदा, मामला है मेरे पे आ जाओ। इसको नॉक देने के बाद बस मैं यही कॉल देता हूँ कि सीधा इन पे पुश करते हैं, ज्यादा वेट नहीं करेंगे। दूसरा बंदा मुझे स्पॉट हुआ ही था कि पहला वाला मेरा किल भी यहाँ पे कंफर्म कर दिया मेरे टीममेट ने। अभी सीधा इस पे पुश करते हैं, थोड़ा क्लोज आया हूं, इसको वेट कर रहा हूं यहाँ पे स्मोक करके, लेकिन ये बंदा बाहर नहीं आता तो डायरेक्ट इस पे पुश करता हूं। एकदम प्रॉपर मालूम था बंदा यहीं पे टीपी पे ले रहा, तो सीधा एम रख के वहां गया हूं। अभी यहाँ पे कंटेनर्स पे मुझे एक बंदा दिखा तो तुरंत अपने टीममेट को कॉल देता हूँ कवर देना। कंटेनर्स पे था, नीचे कूदा है, अब वो सामने टीपी पे ले रहा है। मैंने टीममेट से कहा तुम ऊपर कंटेनर से आओ, मैं नीचे से पुश करता हूं। मैं वेयर हाउस अंदर हूं कंटेनर में। उस बंदे को मैंने मारा ही था कि उसका टीममेट आ गया जिसने मेरे टीममेट को नॉक दे दिया। और एक और 1v2 यहाँ पे हो गया और अपने टीममेट को रेस्क्यू कर लेता हूँ। अभी यहाँ से निकलते और बंदों की तलाश में, ट्रिपल वेयरहाउस में चेक किया बट वहाँ पे कोई नहीं था। पीछे की तरफ दो बंदे थे जिन दोनों को मेरा टीममेट ही ले लेता है। इस बंदे को मारने के बाद अपन जॉर्जो कंटेनर्स पूरा खाली कर चुके थे, बोनस के नाम पे मेरे को एक बॉट मिल जाता है। अभी अपन सीधा निकलते हैं सिटी की तरफ जहां पे और बंदे हैं। वो वाले अपार्टमेंट पे मेरे टीममेट को एक बंदा दिख गया तो मैं सीधा जाता हूँ वहां पे एम लेने। और देखो क्या दिखा, मुझे लगा था मैंने पहले चोक कर दिया लेकिन चलो बंदा फिर से वहीं पे आ गया और उसको नॉक दे देता हूँ। लेकिन डायरेक्ट तो पुश कर नहीं सकते तो मैंने उसे कॉल दिया कि भाई तू आगे पुश कर, मैं पीछे से कवर देने का ट्राई करता हूँ। तो पहले मैं कंपाउंड पे आया, सोचा यहाँ से अगर छत पे बंदा दिख जाए, बट कोई उसका फायदा नहीं हुआ, बंदा यहाँ से निकल चुका था, वो चले गए थे नीचे। अब सीधा इन पे पुश करने ही वाले थे कि सामने की तरफ मुझे फुटस्टेप आया, टीममेट को कॉल दिया भाई उनको इग्नोर मारो और सीधा मेरे पे आओ। मसला हो गया जी, ये वाला तो मुझे पहले लगा बॉट है लेकिन मारने के बाद नाम से पता चला एक बंदा था। और एक और किल मुझे यहाँ पे मिल गया। अब बारी है सामने वालों पर पुश करने की जिसमें से एक बंदे को मेरा टीममेट नॉक कर देता है और उस पे पीछे से हो रही है थर्ड पार्टी। हील कर रहा था मैं, सोचा इसको कवर देने का ट्राई करूंगा बट मेरे पे भी शॉट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा एक दूसरा एंगल बनाते हैं। क्लोज वाले को मारा, दूर वाला। इसका किल कंफर्म करने के बाद अपार्ट वाले को नॉक देना बहुत ज्यादा जरूरी था। और देखना यहाँ पे हल्का सा उसका हेड देखा और दो टैप टैप देके इसको नॉक दे दिया और सीधा इसमें पुश करता हूँ। पीछे मेरे टीममेट ने कॉल दिया, वो बंदा कूद गया तेरे पे। बस इधर ही, इधर ही लेफ्ट में, इधर है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, मुझे लगा था बंदा ऊपर है बट वो था नीचे। एक को मेरे टीममेट नॉक दे चुका था पहले से ही और दूसरे को मैंने फेल दिया, उतने में एक और बोनस मिल गया, एक और मुझे बॉट मिल गया। 9 किल्स मेरे यहाँ पे हो चुके और मेरे टीममेट के भी अच्छे खासे किल्स हो चुके हैं यहाँ पे। अभी अपन पूरा जॉर्जो क्लियर करके निकले ही थे कि सामने की तरफ देखो स्क्वाड हाउस पे कोई मुझे दिखा। अब यहाँ पे सीन देखना, मुझे मालूम था बंदा छत पे है और ये पक्का वॉल पे चढ़ेगा जिस हिसाब से हमने गाड़ी रुकाई थी। मैंने जानबूझ के वेट किया और देखो मेरा प्रेडिक्शन एकदम सही था, वो बंदा वॉल पे चढ़ा, इसको ले लिया। अब मेरा टीममेट सीधा ऊपर पुश कर रहा और मैं आज उसको कवर दूंगा, बट मेरे से हो गई थोड़ी सी गलती, अब वो रिस्क में है। लेकिन चलो अच्छी बात है उसने ऊपर वाले बंदे को ले लिया, नहीं तो यार वो नॉक फिनिश था, मैं आपस से नहीं बचा पाता। अब यहाँ से निकलते और बंदों की तलाश में सेवरनी की तरफ आए थे, बंदे क्योंकि मिल नहीं रहे थे काफी घूमने के बाद। बंदे इस लॉबी में हैकर नहीं था तो अपन दिलेरी से घूम सकते थे। अभी देखो यहाँ से निकले ही थे कि सामने की तरफ मुझे यूएस दिखी, बट उतने में ना एक बग्गी भी दिख गई और ये बंदों के साथ देखना क्या ही गलत ही सीन होता है। पहले इसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया, अब मैं यहाँ से उतार सकता था लेकिन गाड़ी घूम गई और पीछे की तरफ जब अपन फायर करते हैं तो कुछ इस तरीके से अपना एम हिलता है, तो यहाँ से नॉक देना तो बहुत मुश्किल था। ये देखा एकदम अंधा पुश किया, पूरा प्री फायर दे दे के एक को तो मैंने नॉक किया था और पूरा डैमेज मैंने उठाया, दूसरा किल मेरे टीममेट ने ले लिया। चलो एक ही किल दोनों को मिला। अब यहाँ से निकलते अपन जोन में थोड़ा सा होल्ड करने के लिए क्योंकि सर्कल हो रहा था छोटा और अपने को पोजीशन एक अच्छी निकाल लिया। फिलहाल के लिए ये वाले कंपाउंड अच्छे लग रहे थे क्योंकि यहाँ से जो है एज है बंदे आएंगे आसपास से, जो रोजॉक वाले अगर ब्रिज क्रॉस करके आएंगे तो अपने को यहाँ पे किल्स मिल जाएंगे। कुछ देर यहाँ पे होल्ड ही किया था और देखना क्या हुआ। कैंपर हो तुम, तापची कैंपर में गाड़ी गई। एक किल तो मैंने नॉर्मल ही लिया, दूसरा किल मैंने अपने टीममेट का चुरा लिया और दोनों किल्स मुझे लकीली यहाँ पे मिल गए। 13 किल्स हो चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं, मेरे टीममेट के भी अच्छे खासे किल्स हैं, मैं लास्ट में गिनवाऊंगा और तुम टोटल किल काउंट देखना यार, मजा ही आ जाएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा और होल्ड किया था कि एक और गाड़ी देखी। अब यहाँ पे देखो मेरा टीममेट स्प्रे दे रहा था और मैं टैप टैप दे रहा था। अगर लॉन्ग रेंज में तुम टैप टैप देते हो तो तुम्हारे बुलेट्स भी ज्यादा कनेक्ट होंगे और एमओ ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, तो रिलोड भी नहीं होगे। मेरे को दोनों किल्स यहाँ पे मिल गए, उतने में एक और बग्गी यहाँ पे पुश कर दी। जो कि ये बंदा यार जंप कर रहा था बट गलती से मेरे टीममेट ने मार दिया, तो यार काफी बुरा लगा इसके लिए, अपने से मिलने आया था वो, अब उसको तो चलो गलती से मार दिया लेकिन बगल में और भी बंदे आ चुके हैं। मुझे लग रहा था बंदा यहीं से पीक करेगा, इसको थोड़ा बहुत ट्राई किया मारने का बट इसको मैं बिल्कुल भी डैमेज दे नहीं पाया। पहले मुझे लगा था एक बंदा है लेकिन ये दो बंदे निकलते हैं। अभी फिलहाल के लिए देखो जोन हम पे है, ये वाला जो मेरा कंपाउंड है ट्रिपल स्टोरी यहाँ पे जोन है, तो मैं छत पे जाके बैठता हूँ और एम लेने का ट्राई करता हूँ और यहाँ पे देखना एक सरप्राइज अटैक। ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था बट बंदे ने काफी चोक कर दिया, थोड़ा बहुत डैमेज दिया इसको और इसका टीममेट राइट से भाग रहा था, तुमने देखा होगा, उसको मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया और इसको मैंने ले लिया। एक एक किल अगेन अपन दोनों को मिला और सामने वाले जो बंदे हैं इनका अपने को जोन काटना है। पहले मैं बग्गी पंचर कर चुका हूँ इनकी, उतने में ना मेरे टीममेट यहाँ पे नॉक हो चुका है और जोन देखो एकदम स्टार्ट हो चुका है, बट लकीली हमारी तरफ से जो है जोन बहुत स्लो आ रहा था तो मैंने इजीली उसको रिवाइव दे दिया और उसने यहाँ पे हील भी कर लिया। गाड़ी लेके जाता हूँ क्योंकि बाद में अपने को गाड़ी तो लगनी है। ये लोग चले गए ना, अभी ये सामने वाले जो बंदे थे वो क्रॉस कर ही रहे थे, एक बंदे को तो मैंने नॉक फिनिश दे दिया और दूसरे बंदे को मेरे टीममेट ने स्पॉट किया पेड़ के पीछे, तो मैं यहाँ पे ना उस पे एम रख के बैठा था और थोड़ा सा ज्यादा ही मैंने लेट कर लिया। जोन देखो मेरे दिमाग में था रिस्क को बिल्कुल मार नहीं है बट जोन मेरी तरफ से पहले कटता है। वो बंदा भी मेरे को देख रहा था एकदम, मैं उसे पिन करके रुका था तो वो निकला भी नहीं और जैसे ही वो निकला मेरे टीममेट ने उसको मार दिया। अब यहाँ से जोन में जाती है कि सामने की तरफ देखना क्या सीन है।
इधर रुक रहा हूँ ना, आगे का ये तो रखे यहाँ पे रुके थे हीली करने की। सामने की तरफ एक और बंदा यहाँ पे जंप करता है जो कि हमसे मिलने आया था और हमारा सब्सक्राइबर था। हेलो भाई, टीममेट है क्या फिर? नहीं भाई, जिससे थोड़ी बहुत बात की, इससे पूछा तुम्हारा टीममेट है क्या लास्ट बंदा, तो इसने बताया नहीं। तो लास्ट बंदे को अपन ढूंढने के लिए निकलते हैं और जो ही सांप पर रहा था, अरे बंदा देखो एकदम हल्का सा, उसका पिक्सल मैंने दूर से स्पॉट कर लिया एंड इजीली इसको ले लिया। अब लास्ट वाले भाई से अपन ने बोला यार हमको चिकन दे दो क्योंकि बड़ी मुश्किल से चिकन निकलता, और वो रैंक पुश भी नहीं कर रहा था तो और अच्छी बात थी हमारे लिए। इजीली यहाँ पे चिकन ले लिया और प्लस देखो यार, तो 44 प्लस मुझे मिला और 42 प्लस मेरे टीममेट को मिला। दोनों के किल्स देखो, टोटल किल काउंट है यार 32 किल्स का, जो कि डुओ कॉन्करर लॉबी में बहुत ज्यादा होता है। तो ओवरऑल गेम प्ले अगर अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना एंड पहली बार मुझे सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।